नमः शिवाय। आषाढ़ मास शुक्रवार पूर्णिमा तिथि पूरे दिन लगी रहेगी। चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में पूरे दिन और रात्रि 12:35 तक चलते रहेंगे, तत्पश्चात श्रवण नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर मजबूत शरीर वाले, सुखी, धनवान, धार्मिक और सात्विक गुणों वाले होते हैं। ऐसे जातक अच्छे काम करने वाले, ऐश्वर्यशाली और अभिमानी भी होते हैं। ये महत्वाकांक्षी, जीवन जीने के अभिलाषी, आकर्षक व्यक्तित्व वाले, शौकीन, कानून का आदर करने वाले, धार्मिक कार्यों में सहयोग करने वाले, तर्कशास्त्री और सरकारी क्षेत्रों से लाभ पाने वाले भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा सूर्य और शनि की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज पूरे दिन मकर राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी शनिदेव हैं। आज विशेष दिन है। आज की रात्रि चंद्र ग्रहण की रात्रि होगी। यह ग्रहण उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र दोनों पर लग रहा है। इस ग्रहण की शुरुआत उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से होगी और इसका मोक्ष श्रवण नक्षत्र में होगा। इस प्रकार यह दोनों नक्षत्र प्रभावित रहेंगे। क्योंकि यह ग्रहण मकर राशि पर लग रहा है, इसलिए इसका सीधा असर मकर राशि पर ही सबसे ज़्यादा पड़ सकता है। साथ ही साथ कर्क, मिथुन, तुला और कुंभ राशियों वाले जातक भी प्रभावित होंगे। इस ग्रहण का सूतक काल ग्रहण के प्रारंभ होने से 9 घंटे पहले से प्रभावी होगा। ऐसे जातक को नियमित अवस्था में दवा का प्रयोग करते हैं, उनके लिए सूतक का निषेध आवश्यक नहीं होगा। साथ ही बड़े बुजुर्गों और बच्चों के लिए भी यह नियम नहीं लागू होगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा आज भी केतु और मंगल के साथ 10वें घर में चलते रहेंगे। आपकी सक्रियता और परिश्रम का केंद्र बिंदु अपनी योजनाओं को विकसित करना और आगे बढ़ाना रहेगा। साझेदारी की लाभदायक प्रेरणा और आर्थिक अनुकूलता बनी रहेगी। संबंधित मामलों में यात्रा भी करनी पड़ सकती है। आपको अपने खर्चे को नियंत्रित करना चाहिए। उत्तेजनात्मक माहौल में या वाद विवाद में सावधानी रखनी होगी। मन किसी अनजाने भय से ग्रसित रहेगा। अध्ययन अध्यापन में अनुकूलता बनी रहेगी। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी और वैवाहिक मामले सफल रहेंगे। चंद्र ग्रहण का फल आपके लिए लाभदायक परिस्थितियां पैदा करेगा और अनुकूलता बनी रहेगी। हनुमान जी की आराधना करें और केले के पौधे में जल डालें। वृष राशि वाले जातकों के लिए प्रयासों का दौर जारी रहेगा। बौद्धिक क्षमता में विकास होगा और कार्य क्षेत्र की अधिकतम योजनाओं को संपन्न करने की कोशिश लगी रहेगी। नई कार्य योजनाओं में लाभ मिलेगा और साझेदारी सफल रहेगी, मगर सूर्य, राहु और बुध के कारण भ्रम की स्थिति और विरोधियों से सावधानी अपेक्षित है। संबंधित मामलों में खर्च की स्थिति भी संभावित है, मगर आप बुद्धि कौशल से उसे नियंत्रित करने में सफल रहेंगे। पिता से विवाद या तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। माहौल को अनुकूल और शांतिपूर्ण बनाए रखें। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी चाहिए और वाहन सावधानी से चलाएं। चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके लिए अधिकारियों से तालमेल में कमी, अपेक्षा के अनुरूप सहयोग का ना मिलना और दोषारोपण की संभावना भी बनती है। सावधानी अपेक्षित है। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें और गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। मिथुन राशि के जातकों का झुकाव कार्य क्षेत्र और व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति और आर्थिक लाभ के प्रति केंद्रित रहेगा। साथ ही संभावित यात्राएं भी हो सकती हैं, मगर अनावश्यक चिंता, भ्रमात्मक स्थिति और मानसिक दबाव भी महसूस होगा। हालांकि सकारात्मक ऊर्जा स्तर और आत्मविश्वास भी बना रहेगा, जो कि आपकी व्यावसायिक अनुकूलता और आर्थिक लाभ के लिए सहायक होगा। विभागीय सहयोग और सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय अनुकूल रहेगा और साझेदारी के कामों में सामान्य लाभ संभावित है। वाहन चलाने में सावधानी बरतें और साथ ही स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का संकेत मिलता है। ग्रहण का प्रभाव आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं को बढ़ाने, पुरानी समस्याओं की पुनरावृत्ति और चोट चपेट लगने का संकेत देता है। खान पान पर विशेष सावधानी बरतें। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और गाय को घी लगी हुई रोटी गुड़ के साथ खाने को दें। कर्क
कर्क राशि के जातकों को साझेदारी और कार्यक्षेत्र के विस्तार और साथ ही साथ मातृ पक्ष से सहयोग और उचित दिशा निर्देश की संभावना बनती है। अपनी योजनाओं को कार्य रूप में ढालने के लिए समय अनुकूल है। विरोधियों की साजिश को निष्फल करने और अतिरिक्त व्यय को कम करने के लिए आपको संयम और सूझबूझ से काम लेना होगा। धर्मात्मक स्थिति, व्यर्थ के काम और पारिवारिक तनाव भी संभव है, मगर विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा, मगर अतिरिक्त जिम्मेदारी का निर्वहन और स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर पारिवारिक तालमेल में कमी, कमर संबंधी समस्याएं, पेशाब संबंधी समस्याएं और पत्नी के स्वास्थ्य में गड़बड़ी का संकेत करता है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें और चीनी में आटा मिलाकर सूक्ष्म जीवों को खाने के लिए छिड़कें। सिंह राशि वाले जातकों के काम में रुकावट, आर्थिक खर्च, दोषारोपण और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का संकेत मिलता है। साथ ही अनावश्यक भयग्रस्तता, मानसिक चिंता और यात्रा का दौर संभावित है। अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल नई कार्य योजनाओं को विकसित करने में लगाएं और रुके हुए कामों को संपन्न करने की कोशिश करें। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। विभागीय और अधीनस्थ कर्मचारियों से प्रेरणा मिलेगी। आर्थिक लाभ में सहयोग मिलेगा। संतान संबंधी चिंता आज बनी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। प्रयास जारी रखें। नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूर रहें। चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर सकारात्मक फल लेकर आएगा। सुकून संतुष्टि महसूस होगी। आर्थिक लाभ में सहयोग और पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। सूर्यदेव को अर्घ दें, केले के पौधे में जल डालें और ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें। कन्या राशि के जातकों का मूल उद्देश्य कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में सार्थक पहल, आर्थिक लाभ के अवसर और पारिवारिक सुख चैन की कमी को पूरा करने के प्रति केंद्रित होगा। रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। अनावश्यक मानसिक तनाव, अतिरिक्त खर्च, उत्साह में कमी, मगर लाभ में वृद्धि संभावित है। अधिकतर काम पूरे होंगे और साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे। अध्ययन अध्यापन में उतार चढ़ाव बना रहेगा और शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी। प्रयास जारी रखें। चंद्रमा आपकी राशि से पांचवें बैठे हैं। चंद्र ग्रहण का आप पर प्रभाव, उत्साह में कमी, अनावश्यक चिंता, बेचैनी, हर काम के प्रति जल्दबाजी, संतान के प्रति चिंता और आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव संभावित है। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, गाय को घी लगी हुई रोटी और हरा चारा खाने को दें और ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें। तुला राशि के जातकों के लिए अनावश्यक घबराहट, बेचैनी, निर्णय लेने की क्षमता में उतार चढ़ाव, मगर कार्य क्षेत्र के उद्देश्यों के प्रति सकारात्मक पहल और व्यावसायिक उत्थान के प्रति मानसिकता बनी रहेगी। चंद्रमा आज केतु मंगल के साथ चल रहे हैं और शाम के बाद आज का दिन मिला जुला फल देने वाला व्यतीत होगा। कार्य क्षेत्र की अनावश्यक रुकावट खत्म होगी। निजी निवेश के लिए समय अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। गुरुजनों का आशीर्वाद और सकारात्मक प्रेरणा बनी रहेगी। चंद्र ग्रहण आपके चौथे स्थान पर लग रहा है। निजी सुख सुविधा में असंतुष्टि, अनावश्यक घबराहट, बेचैनी, वाहन प्रॉपर्टी से संबंधित वाद विवाद और तनाव की स्थिति, माँ के स्वास्थ्य की चिंता और रात की नींद में कमी का संकेत मिलता है। शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक करें, गाय को घी लगी हुई रोटी के साथ गुड़ खिलाएं और ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें। वृश्चिक राशि वाले जातकों के कार्य क्षेत्र के लिए जोश और उत्साह बना रहेगा। धन संबंधी मामलों में मितव्ययी मानसिकता के साथ आर्थिक लाभ और अपने कार्य क्षेत्र में उठ रही बाधाओं को हल करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। हालांकि शंकाओं का दौर और कार्य क्षेत्र की सकारात्मक पहल में उतार चढ़ाव संभावित है। साथ ही संतान के दायित्व के प्रति चिंता बनी रहेगी, फिर भी आपके दायित्व की पूर्ति होगी। धैर्य और सक्रियता बनाए रखें। खर्चों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। चंद्रमा आपके तीसरे भाव पराक्रम भाव में है। चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके लिए सकारात्मक प्रयासों को बढ़ाने वाला, आर्थिक लाभ की स्थिति में सहयोग, रुके हुए कामों को संपन्न कराना और पारिवारिक दायित्व की पूर्ति में सहायक होगा।
धनु राशि वाले जातकों को धन संबंधी मामलों में उतार चढ़ाव और आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी। व्यावसायिक उद्देश्यों को सुदृढ़ करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी, मगर वाणी की तेजस्विता और मानसिक सोच प्रभावित रहेगा। महत्वपूर्ण निर्णय तत्काल और जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। रचनात्मक प्रयासों में मन लगेगा और नए प्रस्तावों की संभावना बनती है। साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा और सरकारी कामकाज पूरे होंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। परिवारजनों का सहयोग और उनकी प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी चाहिए। चंद्रमा आपके दूसरे भाव में बैठे हैं। चंद्र ग्रहण का फल आर्थिक दृष्टिकोण से नुकसान की प्रवृत्ति, निर्णय लेने की क्षमता में उतार चढ़ाव, आर्थिक लेन देन में सावधानी और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का संकेत करता है। केले के पौधे में जल डालें, सूर्यदेव को अर्घ दें और ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें। मकर राशि के जातक अति उत्साहित महसूस करेंगे और स्वयं के स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूकता पैदा होगी। मानसिक दबाव संभावित है। निजी समस्याओं और संबंधित मामलों में उद्देश्यों की पूर्ति के प्रति आज का समय केंद्रित रहेगा। सरकारी कामकाज में सहयोग मिलता रहेगा। आपकी राशि पर आज भी केतु, मंगल और चंद्रमा का संयोग बना हुआ है। रचनात्मक कार्यों के लिए प्रेरणा मिलती रहेगी और अंतर्मन का सहयोग बना रहेगा। खर्च की स्थिति को नियंत्रित करना चाहिए। अध्ययन अध्यापन में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। साझेदारी के कामों में सावधानी अपेक्षित है और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, मगर चंद्र ग्रहण आपकी राशि पर ही लगा हुआ है। मानसिक उत्तेजना, स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं, आपसी तालमेल में कमी, वैचारिक भिन्नता और चोट चपेट लगने का अंदेशा बनता है। सावधानी अपेक्षित है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, गाय को घी लगी हुई रोटी खिलाएं और ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अपनी सुख सुविधाओं और गृहोपयोगी वस्तुओं में निवेश की स्थिति बनी रहेगी। साथ ही आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव और कार्य क्षेत्र के संसाधनों पर व्यय संभावित है। लाभदायी योजनाओं को विकसित करने का समय अनुकूल है। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा और यात्रा की संभावना बनती है। विरोधियों से सावधान रहें, साजिश के शिकार हो सकते हैं। वाद विवाद से संबंधित मामलों में सावधानी अपेक्षित है। अध्ययन अध्यापन के लिए समय अनुकूल है। संतान संबंधी सुखद समाचार मिल सकता है, मगर स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चंद्र ग्रहण आपके व्यय भाव से गठित हो रहा है। अनावश्यक खर्च, वाद विवाद की स्थिति पैदा होना, अनचाही यात्रा और मन में नकारात्मक भावनाओं का पैदा होना संभावित है। सावधानी अपेक्षित है। नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूर रहें। गाय को घी लगी हुई रोटी के साथ गुड़ खिलाएं, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें। मीन राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र के विस्तार, उसे सुदृढ़ करने, आय संबंधी मामलों में नए रास्तों के विकसित करने की मानसिकता बनी रहेगी। मित्रों के सहयोग और उससे होने वाले लाभ के प्रति आज का दिन केंद्रित रहेगा। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। आपके आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव भी संभावित है, फिर भी पहले की कार्ययोजनाएँ चलती रहेंगी। सरकारी कामकाज पूरे होंगे। नई कार्ययोजनाओं के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आर्थिक पक्ष में सहयोग मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और संतान संबंधी चिंताओं में कमी आएगी। आज का चंद्र ग्रहण आपके आय भाव से गठित हो रहा है। आय संबंधी संसाधनों में वृद्धि होगी। आर्थिक लाभ में सहयोग मिलेगा। सरकारी कामकाज पूरे होंगे, मगर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी रखनी चाहिए। केले के पौधे में जल डालें, गाय को घी लगी हुई रोटी के साथ केला खिलाएं और हनुमान जी की आराधना करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।